सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप लोगों का यूनिट नंबर 4 प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। एक यूनिट है और बहुत ही प्यारी यूनिट है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा सा स्क्रीन टेढ़ी मेढ़ी मिल जाए आपको तो माफ़ी चाहते हैं आपसे, पर चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। ठीक है, चलिए टेढ़ाई क्यों रहे, हम इसको सही कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है रिस्क एनालिसिस। आंख बंद करके बोली सुधर जा भाई साहब, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आएगा तो आएगा, आंख बंद करके लिख लो, आएगा आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल अप्रोच, देख लेना पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा अप्रोच करता है कि आप इससे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। ठीक है, तो अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, क्या स्टेप्स होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रोसेस स्टेप, जितने भी आपको कुछ चीज़ें मिले सब पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आता है क्या, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, इसी से ये दोनों क्वेश्चन साथ में आएंगे तो 5-5 नंबर, अकेले आएंगे तो 10 का ये 10 का ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इग्नोरेंट क्वेश्चन है पर वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जितने लोग कॉमर्स पढ़ के आए होंगे पर कॉमर्स पढ़ के कोई इंजीनियरिंग करने नहीं आता, मेरा IQ है। ठीक है, तो सॉरी मेरा मतलब डेप्रिसिएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, अगेन इसको नो लॉस मेथड क्यों कहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आता है वो भी देख लेना। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसकी नीड्स कंट्रोलिंग, भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट है ना, जितना खाना खाना भूल जाओ पर ये क्वेश्चन करना मत भूलना। ठीक है, लैक ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट बन जाता है कई बार। प्रोजेक्ट कंट्रोल के आपको कंट्रोल नाम का एक क्वेश्चन मिलेगा, उसे देख लेना अच्छे से। ठीक है, कैपिटल फंडिंग वर्सेस ऑपरेशन फंडिंग देख के जाना है, छोड़ना नहीं है। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मैंने बताया है, इग्नोरेंट नहीं है, आएगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है लास्ट में रखा है, चैप्टर का नाम है ये, तो ये तो आप देख के जाओगे ही, इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं आपसे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस के नाम और नंबर हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो आप इनको ज़रूर करके जाइएगा, इतने क्वेश्चंस के बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, बहुत ख़राब किस्मत हुई भाई, लगा कि बस एग्जामिनर ने कहा कि तुमको फेल ही करना है तो थोड़ा मोड़ा उठा के देगा, मगर एक क्वेश्चन तो फिक्स है तब भी। ठीक है, चाहे जितना टफ पेपर है 10 नंबर आपको इसमें से मिलेंगे इतने टॉपिक्स में से। और मैंने जिस हिसाब से एनालिसिस किया है इसमें आपका रिस्क एनालिसिस 0 होगा। ठीक है, इतने टॉपिक्स अगर पढ़ के जाते हो तो आप बहुत अच्छा करके आओगे। तो दैट्स इट, मिलते हैं आपसे यूनिट नंबर 5 की वीडियो में। बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।